हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मथुरा का रिव्यू देने वाले हैं फिजिकल के रिलेटेड। बीएसएफ ट्रेडमेंट की वैकेंसी जो चल रही है, जिन कैंडिडेट का मथुरा सेंटर गया है, तो ये वीडियो उन लोग का हेल्पफुल होगा। तो रिव्यू देने वाले हैं A to Z, वहाँ एंट्री कितने बजे, कितने बैच बनाए गए और रनिंग रोड पर हो रहा है या कहाँ और ग्राउंड पर हो रहा है, सब कुछ मतलब डिस्कस करने वाले। एक दोस्त मैसेज किया है, मैसेज में बोला है कि सर ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पर हुआ है A to Z, वो मुझे मैसेज किया। मैं इससे रिलेटेड ही लिख के रखा हूँ और यहाँ पर देख लिए मैं लिख के रखा हूँ, तो मैं इससे बता रहा हूँ दोस्तों कि वहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो के माध्यम से, मैं बिल्कुल A to Z बताने वाला हूँ, तो वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सो गाइस, फर्स्ट आप लोग बता दें आप लोग का वहाँ पर एंट्री कितने बजे हुई। तो एंट्री आप लोग का बिल्कुल दोस्तों, आप लोग का एंट्री वहाँ देख लीजिए, 4:30 बजे वहाँ पर आप लोग का एंट्री हुआ था और 4:30 बजे एंट्री, 4:30 बजे के 4 बजे एंट्री हो रहा था। 4 बजे एंट्री होने के बाद उसके बाद आप लोग का एडमिट कार्ड देखने के बाद सीरियल नंबर नोट डाउन करने बोल रहे थे। हाँ, सीरियल नंबर डाउन करना, मैं एक वीडियो में बता तो चुका हूँ कैसे कैसे वहाँ पर। बट मथुरा का मैं रिव्यू देने वाला हूँ, मथुरा का कोई छोड़ भी नहीं रहा है बंदा, रिव्यू दे नहीं दे रहा है, तो मैं सोचा हूँ कि मथुरा का क्यों नहीं रिव्यू दिया जाए। तो दोस्तों, मैं इसी से रिलेटेड मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जाना पड़ेगा वहाँ पर, जाने के बाद 4 बजे एंट्री होगा, उसके बाद आप लोग का एडमिट कार्ड का नंबर पूछेगा, नंबर पूछे सीरियल नंबर आप लोग को देगा, वही आप लोग का चेस्ट नंबर होगा, जो आप लोग का सीरियल नंबर होगा आप लोग का वही चेस्ट नंबर होगा, नोट करना है, याद करना है। उसके बाद आप लोग का मोबाइल वगैरह जमा होगा, जमा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जमा भी नहीं हो रहा है। उसके बाद जितने मतलब बच्चे हैं टोटल, मात्र मतलब जो टोटल बच्चे, जितने बच्चे होंगे वहाँ पहुँचे होंगे तो काउंट किया जाएगा। काउंट करने के बाद 2 बैच बनाया जाएगा, जो जितने बच्चे होंगे, मान लो आप लोग 600 बच्चे होंगे तो 300 का बैच बनाया जाएगा, 500 बच्चे होंगे तो 250 का बैच बनाएगा। बैच बनेगा, फर्स्ट बैच सेकेंड बैच दौड़ाया जाएगा, फर्स्ट बैच पहले दौड़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट बैच आप लोग को दौड़ाया जाएगा, फुल आप लोग का 24 मिनट वहाँ मिल रहा है, दोस्त बताया था फुल आप लोग को 24 मिनट मिल रहा है, और कैसे वहाँ पर आप लोग का रनिंग हो रहा है ग्राउंड पर या रोड पर है ये भी बताया था। तो फर्स्ट आप लोग बता दें दोस्तों, वहाँ पर आप लोग का रोड पर रनिंग हो रहा है, और रोड पर रनिंग होने के बाद आप लोग रनिंग आप लोग का रोड पर ही हो रहा है, और रनिंग आप लोगों का 24 मिनट में 5 किलोमीटर मारना है। जी, सबको पता है 24 मिनट में 5 किलोमीटर आप फुल समय दे रहे हैं, और वहाँ पर आप लोग का रनिंग दोस्तों, वहाँ पर रनिंग आप लोग को रोड पर 3 चक्कर लगाना है। कितना चक्कर लगाना है? 3 चक्कर लगाना है, कम से कम एक चक्कर आप लोग का मान के चाहिए 1.6 या 1.7 किलोमीटर है, मतलब आप लोग का 1600-1700 मीटर है आप लोग का वहाँ दौड़ना है। तो वो एक चक्कर, तो 3 चक्कर लगाना है आप लोग, सोच लीजिए 4800 मतलब कि 4800 मीटर मतलब कि 4 किलो 800 मीटर, तो आप लोग का 200 मीटर और भगा रहे एक्स्ट्रा, मतलब 4849 किलोमीटर होगा, तो 4900 किलोमीटर होगा, तो आप लोग वहाँ से आप लोग किलोमीटर कर सॉरी मीटर होगा, तो आप लोग को 5 किलोमीटर में कम से कम आप लोग को 100 मीटर पहले मतलब कम डाउन ये जो होता है 100 मीटर आप लोग को वहाँ से दौड़ना है, मतलब कि पूरा टोटल 3 राउंड मरने के बाद 100 मीटर आपको वहाँ 100 मीटर दौड़ा रहे हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा दौड़ा रहे हैं, तो मतलब मार के चलिए 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ दौड़ाने के बाद रनिंग कम्प्लीट हो जाएगी। कम्प्लीट होने के बाद दोस्तों, तो आप लोग को रनिंग कम्प्लीट होने के बाद दोस्तों आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या लगेगा आप सब बिल्कुल मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हर जगह वही मांग रहे हैं, इसी तरह मांग रहे हैं आप लोगों को, सफाई कर्मचारी वहाँ पर आप लोगों का फिजिकल चल रहा है, तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, तो आप लोगों का 6 से 7 और डॉक्यूमेंट लगेगा। एक तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, हाई स्कूल लगेगा, इंटर भी डाले हो तो इंटर लगेगा, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, सेंट्रल OBC जो है कैंडिडेट उनका सेंट्रल लगेगा, SC ST और SC ST है उन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट UP के मतलब स्टेट लेवल चल जाएगा, और जो भी कैंडिडेट जनरल वाले हैं उन लोगों को कुछ नहीं रहेगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। और बता दे, तीन डॉक्यूमेंट हो गया जो कि उन कौन हो गया, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, 4 हो गया। उसके बाद आप लोग का लगेगा निवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, निवास लगेगा। निवास के बाद आप लोग का एक आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, मतलब आइडेंटिटी पहचान पत्र लगेगा, मतलब आप लोग का एक ये लगेगा, क्या नाम है, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड जो भी लगा आप लोग लगा सकते हैं, ये लगेगा, ज़्यादा कोर्ट नहीं लगेगा। फॉर्म का अप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाले हैं, फर्स्ट टाइम डाले थे अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए थे, अप्लीकेशन निकला था, फाइनल प्रिंट उसको भी ले जाना है, वहाँ मांग रहे हैं, ठीक है दोस्तों, वो भी ले जाना है आप लोगों को, एडमिट कार्ड भी साथ में ले जाना है, हो जाएगा आप लोग टोटल। फॉर्म देंगे आप लोग को, फॉर्म भरने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद टोटल आप लोग को होने के बाद बैठा देंगे, बैठाने के बाद आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग का कपड़ा आप लोग उतार देंगे, कपड़ा उतारने के बाद कैंप में उतारने के बाद आप लोग को कहेंगे कि वहाँ आप लोग का मेजरमेंट होगा, हाइट वेट और हाइट चेस्ट वेट,
तो आप लोग का हाइट और वे हाइट चेस्ट और वेट मैनेजमेंट होने के बाद क्लियर करने के बाद दोस्तों उसके बाद उसी दिन आप लोग का ट्रेड टेस्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है, ट्रेड टेस्ट उसी दिन हो रहा है आप लोग का। कोई घबराने की दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ट्रेड टेस्ट बहुत ही बढ़िया ले रहे हैं। मतलब कोई मतलब वो हार्ड नहीं हो रहा है कि आप लोग का सफाई कर्मचारी के जो भी बंदे डाले हैं तो वहाँ लजाना कुछ नहीं है। देखिए काम वहाँ पर कुछ भी अब सफाई कर्मचारी गए हैं तो काम तो वही करेंगे ना दोस्तों, आप लोग लजाएंगे वहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। तो आप लोग सफाई कर्मचारी का लोग वहाँ पर टॉयलेट और क्या नाम है बाथरूम, ठीक है दोस्तों, टॉयलेट और बाथरूम साफ़ करा रहे हैं। तो ये हंसने और रोने की कोई बात नहीं है, वहाँ पर आप लोग का जो आप लोगों का काम दिया गया वहाँ आप लोग का शिद्दत से करना है, ठीक है दोस्तों, पूरा 100% एफर्ट डालना है। तो वहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि थोड़ा टॉयलेट साफ कर दो, लैट्रिन साफ कर दो, वैसे ये जो काम है वो कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है दोस्तों। और वहाँ आप लोग ट्रेन टेस्ट पास कर देंगे, शाम तक आप लोग को वहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। और कहेंगे आप लोग का एडमिट कार्ड फिर से दोबारा रिटर्न के एग्ज़ाम के लिए आप रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो जो भी यही पूछा यही बताया दोस्त ने, इसी तरह मैसेज किया सब इससे से हुआ था, ठीक है दोस्तों, मथुरा का। तो इस 25 बटालियन सॉरी 25 करें 178 BNBSF कैंप बटालियन मथुरा, ठीक है दोस्तों, यही पूछा गया था 178 मथुरा का, ठीक है। तो मैं पूरा रिव्यू आप लोग को बता चुका हूँ, तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। एक बार और बता दें, जो भी कंटेंट मेरे चैनल पर आ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं और दोस्तों लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार अगर चैनल पर आप लोग नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जैसे नए वीडियो सबसे पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बता दें, जो भी कैंडिडेट का क्यूरी हो, कोई भी इंक्वायरी हो या क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मतलब फॉलो कर वो मैसेज करें, जी हाँ फॉलो करके मैसेज करें, बिना फॉलो किए मैसेज करोगे यार, ठीक है, रिप्लाई तो दे देंगे बट कोई ना, आप लोग फॉलो करके मैसेज करें, मैसेज का रिप्लाई तुरंत 10 मिनट के अंदर आप लोग का रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को वहाँ जा के फॉलो करिए और मैसेज कीजिए, जो भी वीडियो कोई भी क्वेश्चन हो मैं रिप्लाई तुरंत देता हूँ 10 मिनट के अंदर, तो ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट मत किया करें, ठीक है दोस्तों। वहाँ मतलब क्या होता है कि सर्टिफाई नहीं हो पाता किसका किसका कमेंट का रिप्लाई दे, इसलिए आप लोग का मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को मिल जाएगा नीचे डिस्कशन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप लोग का चेक करके आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तब तक जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद भारत।